अस्सलामुअलैकुम। नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल सदिया अली पे आप सभी का स्वागत है। तो ना दोस्तों, आज ना और उम्मीद करते हैं कि आप लोग भी ठीक होंगे। तो ना ये जो मैं तोड़ रही हूँ ना, इससे आज मैं रेसिपी बनाऊँगी। ये क्या है पहचान रहे? ऑब्वियसली पहचानेंगे, ये जिसको हम आसामिस में भातखेड़ा बोलते हैं और घर पे इसका हम खाखरल बोलते हैं और हिंदी में बोलते हैं बन करेला। तो चलिए इससे हम आज रेसिपी बनाएंगे। ये जो है ना, ये जो सब्ज़ी है ना, हमारे घर पे इतना ज़्यादा लगता है, क्या कहो, माशाल्लाह इतना ज़्यादा लगता है। मतलब इसको हम लगाते नहीं है, हर साल ऐसे ही उसका जो लत है क्या, जो भी है उसका पेड़ जो है ना, वो मतलब इधर उधर लोहटिया बोटिया गया, बहुत लगता है ये। तो ये तो हमारा जो तोड़ना है ना, वो कंप्लीट हो गया है और इसको हम अच्छी तरह से धो लेते हैं। मैं इसको तालाब में ला के धो ली है, पहले बाहर धो लेंगे अच्छी तरह से। उसके अंदर थोड़ा मिट्टी आ गए थे ना, उसको हम साफ़ कर लेंगे। तो फ्रेंड्स, ये जो रेसिपी ना, मैं इसको एकदम नया कह सकती हूँ, क्योंकि ना मैंने पहले इसको देखा नहीं है, मतलब यूट्यूब पे भी सर्च किया है, मेरे नज़र पे नहीं आया है, तो इससे मैं इसको नया कह रही हूँ। तो इसको ना इस तरह से काट करके ना, मैं फिर से अच्छी तरह से इसको धो लूँगी। धो के ना इसको हम बॉयल कर लेंगे। बॉयल के लिए मैंने यह पानी पहले से रख दिया था, जो बॉयल हो गया है, मतलब उतरा या गर्म हो गया। अब हम इस पर थोड़ा सा नमक ऐड कर ली है और थोड़ा सा टर्मेरिक पाउडर के ऐड करके ना, करेला जो है ना उस पर मिक्स मतलब ऐड कर देंगे और 10-15 मिनट के लिए रख देंगे, ताकि ये जो करेला है ना, वो अच्छी तरह से पक जाए। बॉयल में ही इसको पकना चाहिए। और उसको हम यह पकने देते हैं। हम आते हैं मसाले के, और यहाँ मैंने थोड़ा सा प्याज का जो पेस्ट है ना, वो रख दिया, और थोड़ा सा टर्मेरिक पाउडर ऐड की है, थोड़ा सा रेड चिली पाउडर ऐड की है, और थोड़ा मैंने धनिया पाउडर ऐड की है, और थोड़ा मैंने ज़ीरा पाउडर के ऐड की है, और के ऐड करेंगे, और गरम मसाला जो मैंने एकदम फूसिया जड़िया दिलाई सी, क्योंकि मेरे पास और नहीं था। आप लोगों के पास हो तो और थोड़ा सा ऐड कर लीजिएगा। और ये थोड़ा नमक मैंने ऐड की है इस पर। अब हम इसको कर लेंगे अच्छी तरह से मिक्स। हमें मसाले का ना पेस्ट बनाना है। तो क्या किया मैंने, यहाँ पे तेल को ऐड कर दिया मेरे, और ये है, ये क्या है, ये है आटा, जो आप इस पे आटे को भी ऐड कर सकते हैं, बेसन मैदा आपके पास जो हो वो आप ऐड कर सकते हैं। तो मेरे पास आटा था, तो मैंने आटे को यहाँ पे ऐड कर दिया है, और थोड़ा सा तेल डाल दी। बार बार तेल डाल रही हूँ मैं, तेल डालने की कोई ज़रूरत नहीं है, पानी से भी चलेगा। तो दोस्तों, तेल डालते मतलब हैरान हो गई थी, मेरा तेल ख़त्म हो रहा है। तो मैं इस पर थोड़ा सा पानी ऐड करके ना, इसका अच्छी तरह से पेस्ट बना के, ये जो करेला है ना, इस पर हम मिक्स करके इसको अच्छी तरह से क्या कर लेंगे, अच्छी तरह से मखा लेंगे इसको ना, अच्छी तरह से मतलब ऐसे लगा लेंगे इसको, अच्छी तरह से क्या करेंगे यार, पेस्ट को लगा के ना, मसाला जो है इसको लगा के ना, हम 10-15 मिनट के लिए मैरिनेट के लिए इसको छोड़ देंगे। और उसके बाद तो फ्रेंड्स, मैं 10-15 मिनट बाद मिल रही हूँ, और ये जो हमने रखा था ना मैरिनेट के लिए, हम इसको अब कर लेंगे फ्राई। इसके लिए मैंने यह तवे को बिटा दिया है, मतलब रख दिया है। अब हम इस पर तेल डाल के ना, तेल को उतना गर्म नहीं करना है, क्योंकि इसको धीरे धीरे करके फ्राई करना है। तेल को अगर ज़्यादा गर्म करके छोड़ दोगे ना, तो मतलब छोड़ते ही वो जल जाएगा, उसका जो असली टेस्ट है ना, वो नहीं लगेगा आएगा। तो ना मेरा भी जो तवा है ना, वो बहुत ज़्यादा गर्म हो गया है, तो मैं इसको नॉर्मल में करके ना, हम इसको फ्राई कर लेते हैं। बहुत ज़्यादा गर्मी है फ्रेंड्स, इस गर्मी में मैंने फ़ैन को ऑफ करके ना रिकॉर्ड कर रही, ताकि मतलब वॉइस अच्छी तरह से आए। तो अब मैं इसको तीन पे रखे ना, धीरे धीरे करके फ्राई करना है, तो मैं इसको तीन पे रखे कर लूँगी। तो ना मैंने सारा इस पे ऐड कर ली है। अब हम इसको करेंगे धीरे धीरे करके फ्राई। तो फ्रेंड्स,
मेरा ये फ्राई करना हो गया है, मतलब जितना मैंने तवे पे दिया था ना वो फ्राई करना हुआ है, बाकी रह गया है वो भी कर लूँगी। ये देखिए कैसा बना है। इसको ना चावल के साथ भी खा सकते हैं, दाल के साथ, मतलब दाल के साथ बाजी की ज़रूरत होती है ना तो इसको खा सकते हैं, ऐसे पकोड़े की तरह ही खा सकते हैं। तो दोस्तों अंत में ना ये हमारा थोड़ा मसाला रह गया था, तो मैंने इसको फेंकना नहीं चाहिए ना खाने की चीज़ को, जब तक मतलब चल सकता है चलाना चाहिए, तो ना मतलब फेंकना नहीं चाहिए। इसको मैंने यहाँ पर रख दिया है पकौड़े की तरह या बुड़ा की तरह जो है, मतलब उसकी तरह मतलब बना लेंगे, बना के खा लेंगे, बहुत अच्छा लगता है खाने में, टेस्टी है, प्याज मसाला सब कुछ है ना, इसलिए अच्छा लगता है खाने में। तो हम इसको करते हैं फ्राई। तो मेरा फ्राई जो करना है ना वो कंप्लीट करके मैं आप लोगों से मिल रही हूँ दोस्तों। और ये देखिए मैं इसको प्लेट पे रख दिया है, यहाँ पे मैंने दो हरी मिर्च को ऐड की है, इसके साथ खाएंगे तो बहुत मज़ा लगेगा, मतलब अच्छा लगेगा। और मैंने यहाँ पे प्याज को ऐड कर दी है, मतलब स्वाद लगा के खाना चाहिए। और ना ये जो रह गया था ना मसाला उससे बनाया था, तो दोस्तों इसको ना आप लोग घर पे एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। जिन लोगों को पता है तो अच्छी बात है, और जिन लोगों को पता नहीं है ना वो इसके एक बार बना के खाइएगा। तो अंत में दोस्तों यही कहूँगी कि अगर मेरी वीडियो आप लोगों को अच्छा लगे, अच्छा लगना चाहिए, अगर अच्छा लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो पर।